हेलो एवरीवन। इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड विद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ फैक्टोरियल गिव द हेडिंग फैक्टोरियल गिव द हेडिंग फैक्टोरियल इसको इस तरीके से शोकेस किया जाता है या तो एक्सप्लेमेशन मार्क्स है और विद हेल्प ऑफ एंगल साइन सो व्हाट इज एन फैक्टोरियल इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर्स मतलब एन इन एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू ऐसे करते करते थ्री टू वन तक या अगर आप ऐसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वन टू थ्री एन माइनस टू एन माइनस वन एन प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर्स इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन इंटीजर्स इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल बोलिए तो कैन वी राइट फाइव फैक्टोरियल एस फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन यस Can we write 5 factorial as 5 into 4 into 3 into 2 into 1? Yes, guys. So, to make the factorial meaningful, we take 0 factorial as 1. To make the factorial meaningful, we take zero factorial as one. To make the notation meaningful, we take zero factorial as one. तो वन फैक्टोरियल तो वन ही होगा टू फैक्टोरियल क्या हो जाएगा टू इंटू वन टू थ्री फैक्टोरियल क्या हो जाएगा थ्री इंटू टू इंटू वन सिक्स फोर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ट्वेंटी फोर कैन वी राइट टेन फैक्टोरियल एज टेन इंटू नाइन फैक्टोरियल यस

एन फैक्टोरियल में से अगर एन निकाल लो तो एक कम फैक्टोरियल बचेगा तो मान लें ऐसा दिया हुआ एन प्लस थ्री होल फैक्टोरियल कैन वी राइट इट लाइक दिस एन प्लस थ्री एन प्लस टू एन प्लस वन एन फैक्टोरियल क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं येस और नो तो जी, अगर फैक्टोरियल में से फैक्टोरियल वाला टर्म कॉमन निकालते हैं तो अंदर एक कम बचता है अगर फैक्टोरियल में से फैक्टोरियल वाला टर्म कॉमन निकालते हैं तो अंदर एक कम बचता है ठीक है ये चीज ध्यान रखिएगा फैक्टोरियल में से अगर फैक्टोरियल वाला टर्म बाहर निकाल लिया जाए फैक्टोरियल वाला टर्म बाहर निकाल लिया जाए तो अंदर एक कम फैक्टोरियल बचेगा तो अंदर एक कम फैक्टोरियल बचेगा ठीक है चलिए अब हम लोग मतलब समझेंगे परम्यूटेशन का किसका मतलब समझना हम लोग को परम्यूटेशन का सीधा लिखो पॉइंट नंबर वन में अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स अरेजमेंट ऑफ थिंग्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ द आइटम्स अरेजमेंट ऑफ थिंग्स विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ द आइटम्स इसका एग्जाम्पल क्या लिखना है हम लोग को ए बी एंड बी ए आर टू डिफरेंट परम्यूटेशंस ए बी एन बी ए आर टू डिफरेंट परम्यूटेशन कौन पहले आया कौन बाद में आ रहा है ये भी मैटर करेगा ए बी एन बी ए आर टू डिफरेंट परम्यूटेशन सबसे पहले हम लोग एनपीआर का मतलब समझेंगे एन पी आर इज एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल एन पी आर इज एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इसको बोला जाता है अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम अरेजमेंट ऑफ एन थिंग्स टेक आर एट ए टाइम अरेन्जमेंट ऑफ एन थिंग टेक एन आर एट ए टाइम ठीक है अरेन्जमेंट ऑफ एन थिंग टेक एन आर एट ए टाइम तो हम लोग अब इसमें एग्जाम्पल लेंगे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी अब क्या हो सकता है इससे तीन क्वेश्चन बन सकता है हम लोग तीनों में ही अरेंजमेंट कर रहे हैं ठीक है तीनों में ही हम लोग को अरेंजमेंट बोला गया है लेकिन अरेंजमेंट में बोला गया है टेकिंग वन एट अ टाइम टेकिंग वन एट अ टाइम यहां बोल रहा है टेकिंग टू एट अ टाइम और लास्ट वाले में बोला गया है टेकिंग थ्री एट अ टाइम टेकिंग वन एट ए टाइम टेकिंग टू एट ए टाइम टेकिंग थ्री एट ए टाइम तो हम लोग बोल सकते हैं हेयर एन इज थ्री आर इज वन तो मेरा आंसर हो जाएगा थ्री पी वन येस और नो तो क्या लिखेंगे थ्री फैक्टोरियल बाय थ्री माइनस वन फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल इज सिक्स टू फैक्टोरियल इज टू आंसर इज थ्री यस yes no? और नो और एक्चुअली में देखा जाएगा या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा तीन ही तो अरेंजमेंट पॉसिबल है आई यू कैन अरेंज ए और बी और सी राइट नेक्स्ट वाले में एन तो थ्री है लेकिन आर इज टू तो मेरा आंसर हो जाएगा थ्री पी टू दैट इज थ्री फैक्टोरियल बाई थ्री माइनस टू फैक्टोरियल दैट इज थ्री फैक्टोरियल बाई वन फैक्टोरियल सिक्स बाई वन सिक्स अब इसमें क्या क्या अरेंजमेंट पॉसिबल है ए बी बी ए बी सी सी बी ए सी और सी All दिस आर सिक्स डिफरेंट अरेंजमेंट्स विच आर पॉसिबल इसके अलावा आप कुछ बना सकते तो बनाइए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है इसके अलावा आप कुछ बना सकते तो बनाइए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है आप ट्राई कर लीजिए इसके अलावा और कुछ बन रहे है क्या आपसे यहाँ पर एन बी थ्री है आर बी थ्री है तो थ्री पी थ्री आएगा दैट इज़ थ्री फैक्टोरियल बाई थ्री माइनस थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल बाई ज़ीरो फैक्टोरियल सिक्स बाई वन सिक्स अब यहाँ पर आएगा तुम्हारा ए बी सी ए सी बी बी सी ए बी ए सी सी ए बी सी बी ए इसके अलावा अगर आप कुछ बना सकते हो तो बनाइए इसके अलावा आप कुछ बना सकते हो तो बनाइए आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम तो लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज वी नीड टू लर्न ताकि मेरा कैलकुलेशन फास्ट हो जाए लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज वी नीड टू नो इन ऑर्डर टू गेट द कैलकुलेशन करेक्ट एंड फास्ट एन पी जीरो वन होता है एन पी वन एन होता है एन पी टू एन इंटू एन माइनस वन होगा तो एन पी थ्री क्या हो जाएगा एन एन माइनस वन एन माइनस टू तो हाथों हाथ यहां एग्जाम्पल ले लो कल को मान तो तो लो टेन पी टू बोलेगा तो यू स्टार्ट विथ टेन इन टू नाइन यही टेन पी फोर बोलेगा तो टेन नाइन एट सेवन जितना फैक्टर्स बोलेगा उतना कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एन पी एन एन फैक्टोरियल एन पी एन माइनस वन भी एन फैक्टोरियल होता है अब इसका एग्जाम्पल ले लो ये लोग का बोलने का मतलब है टेन पी टेन अगर आप लिख रहे हैं तो टेन फैक्टोरियल है टेन पी नाइन भी टेन फैक्टोरियल होता है एन पी एन भी एन फैक्टोरियल होता है और एन पी एन माइनस वन एन फैक्टोरियल होता है एन पी एन माइनस वन भी एन फैक्टोरियल होता है बोलिए यहां तक पहले क्लियर करिए आप देन वी विल मूव अ हेड पक्का आगे बढ़ सकते हम लोग चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे एक वर्ड लेंगे मंडे

सिक्स लेटर्स ऑल आर डिस्टिंक्ट ये सर नो लेटर्स है सभी डिस्टिंक्ट है डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है तो सिक्स पी सिक्स विल बी द आंसर सिक्स पी सिक्स विल बी द आंसर छह लेटर है नंबर टू इंटरेस्टिंग है जब तुमको रीअरेंज करने बोलेगा रीअरेंज का मतलब होता है एक्सेप्ट वर्ड मंडे तो हम लोग का क्या होगा टोटल माइनस वन अरेंज मतलब नॉर्मल अरेंजमेंट अरेजमेंट में वन ऑफ द अरेजमेंट इज मंडे ओनली क्योंकि हम लोग मंडे के लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं ना हम लोग तो मंडे के लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं लेकिन रीअरेंजमेंट मतलब क्या होता है वो वर्ड को छोड़कर रीअरेंजमेंट का मतलब होता है लिविंग दैट वर्ड नेक्स्ट टेकिंग थ्री लेटर्स एट अ टाइम टेकिंग थ्री लेटर्स एट अ टाइम तो क्या लिख सकते हैं हम लोग सिक्स पी थ्री लिख सकते हैं यस छह लेटर है उसमें से तीन का अरेंजमेंट तो स्टार्ट करेंगे सिक्स ए इंटू फाइव इंटू फोर जितना फैक्टर होगा उतना फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है हम लोग को अदरवाइज आप यह भी कर सकते हो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है सिक्स फैक्टोरियल बाई सिक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल सिक्स फैक्टोरियल बाई थ्री फैक्टोरियल अब सिक्स फैक्टोरियल का ब्रेकअप क्या होगा सिक्स से लेकर के वन तक और थ्री फैक्टोरियल का ब्रेकअप क्या होगा थ्री से लेकर के वन तक तो अल्टीमेटली तो ये कैंसिल ही हो जा रहा है अल्टीमेटली तो ये कैंसिल ही हो जा रहा है सो वी हैव डन अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट एंड टेकिंग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लेटर्स एट ए टाइम नाउ फोर्थ केस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग दे आर आस्किंग टू बिगिन विथ एम एम से शुरू होने वाला वर्ड चाहिए मेरे को सो वेन एवर दे आस्क यू टू बिगिन विथ एम You fix M in the first place. Now, remaining five letters can arrange among themselves in five remaining places. जगह भी पाँच है और लेटर्स भी पाँच है तो फाइव पी फाइव फाइव फैक्टोरियल दैट इज वन ट्वेंटी इंस्टेड ऑफ बिगिन विथ एम दे हैव सेड एज बिगिन विथ एन और एदर यू से बिगिन विथ वाई कुछ भी बोल सकता है ना तो जबी भी ऐसा बोलेगा बिगिन विथ एम और ओ और एन और वाई इट मीन्स एक प्लेस फिक्स हो गया उसको हटा के बाकी का अरेंजमेंट करना है अपने को उसको हटा के बाकी का अरेंजमेंट करना है अपने को ठीक है अब बोल रहा है एंड विथ वाई चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा कि भैया रिमेनिंग लेटर्स कितना है पांच और रिमेनिंग जगह कितना है पांच तो फाइव पी फाइव फाइव फैक्टोरियल दैट इज वन ट्वेंटी सिंस वी हैव फिक्स्ड वन प्लेस सिंस वी हैव फिक्सड वन प्लेस अब दो दो चीज एक साथ आएगा बिगिन विथ एम एंड एंड विथ वाई कोई दिक्कत नहीं है छ जगह बन रहा है उसमें से पहला भी चला गया और लास्ट वाला भी चला गया तो रिमेनिंग क्या हुआ रिमेनिंग लेटर्स क्या हुआ चार और रिमेनिंग प्लेसेस क्या हुआ चार फोर पी फोर इक्वल्स टू फोर फैक्टोरियल दैट इज ट्वेंटी फोर फोर पी फोर इक्वल्स टू फोर फैक्टोरियल दट इज ट्वेंटी फोर तो वी कैन से दैट फिक्स्ड प्लेसेस का परम्यूटेशन इज इक्वल्स टू वन फिक्स्ड प्लेसेस का परम्यूटेशन फिक्स्ड प्लेसेस का परम्यूटेशन इज इक्वल्स टू वन क्योंकि वो लोग तो वहीं बैठेगा ना वो लोग तो वहीं बैठेगा वो लोग तो वहीं बैठेगा तो वो लोग में तो कोई चेंजेस वो लोग में तो कोई चेंजेस आएगा ही नहीं नेक्स्ट देखिए ये रहा हाँ हम्म आएंगे अपने उस पर आएंगे ठीक है अब नेक्स्ट केस में क्या बोल रहा है? एम एंड वाई आर एट एक्सट्रीम्स बोल रहा है एम और वाई एक्सट्रीम्स पे है अब अगर मैं आपको जगह बताऊं अगर ये मेरा जगह है तो ये मेरा एम है ये मेरा वाई है गलत इसको बोला जाता है एक्सट्रीम्स द फर्स्ट एंड द लास्ट प्लेस आर नोन एज एक्सट्रीम्स अब ये सम क्या है? दो हिस्सों में बढ़ गया है एक अरेंजमेंट मेरे को करना है टू पी टू क्योंकि दो जगह और दो लेटर है और सेकेंड अरेंजमेंट जो होगा वो 4p4 अब यहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आएगा चाहे एम वाई हो चाहे वाई एम हो दोनों क्लेसेस के लिए रिमेनिंग अरेंजमेंट इज 4p4 तो मेरा टोटल क्या हो जाएगा एम वाई के लिए फोर पी फोर वाई एम के लिए फोर पी फोर दैट इज ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फोर फोर्टी एट और डायरेक्टली अगर मेरे को करना था तो मैं यहां से टू पी टू इंटू फोर पी फोर कर दिया टू फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल मेरा आंसर आ जाएगा मैं ऐसे केस वाइज भी कर सकता हूं और मैं डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकता हूं क्योंकि ये दोनों अरेंजमेंट साइमल्टेनियसली हो रहा है ये दोनों अरेंजमेंट साइमल्टेनियसली हो रहा है ये दोनों अरेंजमेंट साइमल्टेनियसली हो रहा है दिस अरेंजमेंट्स आर बीइंग डन टुगेदर। नेक्स्ट बोल रहा है भैया एम से शुरू तो होगा बट डू नॉट एंड विथ वाई वी आर स्टार्टिंग विथ एम बट वी विल नॉट एंड विथ वाई इसका मतलब जो बोलेगा उसका उल्टा करो बिगिन विथ एम निकाल लो और बिगिन विथ एम एंड एंड विथ वाई ये दोनों ही केस हम लोग कर चुके हैं और सब कर दो भैया जो बोलेगा ना नहीं करने उसको करके टोटल से माइनस कर दो डू नॉट एंड विथ वाई बोला है तो एंड विथ वाई करो और बिगिन विथ एम से माइनस कर दो इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि भैया बिगिन विथ एम में देर आर फाइव फैक्टोरियल केसेस उसमें से मेरे को ये फोर फैक्टोरियल केसेस नहीं चाहिए क्योंकि साफ साफ बोला है डू नॉट एंड विथ वाई बट अगर एम से शुरू हो रहा है तो ओ से भी खत्म हो सकता है एन से भी खत्म हो सकता है डी से भी खत्म हो सकता है ए से भी खत्म हो सकता है वाई से भी खत्म हो सकता है तो मेरे को वाई वाला पोर्शन हटाना है मेरे को वाई वाला पोर्सन हटाना है दिस इज हाउ यू कैन हटाओ बिगिन विथ एम बट डू नॉट एंड विथ वाई में एम से शुरू तो करेंगे लेकिन जो वाई से लेटर खत्म हो रहा है जो वर्ड वाई से खत्म हो रहा है और एम से शुरू हो रहा है उसको हटा देंगे उसको हटा देंगे ठीक है चलिए अगला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वॉवल्स आर टुगेदर vowels आर together तो जिसको भी साथ रखना है जिसको भी साथ में रखना है उसको एक जगह लिखेंगे बाकी सबको दूसरे जगह जिसको भी साथ में रखना है उसको एक जगह लिखेंगे हम लोग का एक जगह इज लेफ्ट हैंड साइड एंड बाकी सबको दूसरे जगह इज राइट हैंड साइड ठीक है तो मैं फिर से यहां लेटर लिख रहा हूं एमओ एन डी ए वाई और मैं वॉवल्स को अंडरलाइन कर दे रहा हूं इसके अलावा और कोई वॉवल्स है डू यू हैव एनी मोर वॉवल्स ओ और ए को छोड़ के नहीं तो ओ और ए को यहां लिख लेना है और बाकी चार को यहां लिख लेना है ये बोल रहा है हम साथ, साथ है क्या बोल रहे हैं ऑलवेज टूगेदर ये दोस्ती, ठीक है ये लोग हमेशा साथ में रहेगा तो साथ में रहेगा मतलब ए, इसको एक मान के चलना है हम लोग को तो क्या मैं लिख सकता हूं एक दो तीन चार पांच फाइव फैक्टोरियल कैन आई राइट फाइव फैक्टोरियल सर कैसे आया फाइव फैक्टोरियल आपका एम एन डी वाई चार लेटर और दो वॉवेल को एक लेटर बांध रहे हैं इन टू टू फैक्टोरियल सर ये इंटू टू फैक्टोरियल क्यों किया है हम लोग ने अरेंजमेंट ऑफ वॉवल्स अमोंग देमसेल्स अरेंजमेंट ऑफ वॉवेल्स अमोंग देमसेल्स वॉवल्स का अपने आप में अरेंजमेंट वॉवल्स का अपने आप में अरेंजमेंट तो 120 ट्वेंटी इंटू टू दैट इज टू फोर्टी वन ट्वेंटी इंटू टू दैट इज टू फोर्टी ये चीज अभी क्लियर नहीं होगा जब हम लोग टेन वाला पार्ट कर लेंगे कॉन्सोनेस आर टूगेदर अब आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सोनेस आर टुगेदर जब मैं कर लूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा तो सर बोले थे जिसको भी साथ में रखना है उसको एक जगह लिखेंगे बाकी सबको दूसरे जगह तो कॉन्सोनेस में आ गया एम एन डी वाई बच गया ओ और ए ये वाला बोल रहा है वी आर ऑलवेज टुगेदर। हम लोग को अलग मत करिए हम लोग चारों हम साथ, साथ हैं तो हो गया थ्री फैक्टोरियल into 4 factorial now what is this 4 factorial arrangement of consonants among themselves arrangement of consonants among themselves so 3 factorial is 6 फैक्टोरियल इज ट्वेंटी फोर विच इज वन फोर्टी फोर विच इज वन फोर्टी फोर इसका एक्चुअल फॉर्मूला है टोटल माइनस टेक एन टूगेदर प्लस वन होल फैक्टोरियल इनटू टेक टुगेदर का फैक्टोरियल टोटल माइनस टेकन टुगेदर प्लस वन होल फैक्टोरियल इनटू टेकन टुगेदर का फैक्टोरियल बोलिए यहां तक क्लियर है येस नेक्स्ट इज वॉवल्स आर नेवेट टूगेदर तो भैया नेवर टुगेदर को कैसे करना है हम लोग को टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर तो टोटल वाज़ सिक्स फैक्टोरियल एंड ऑलवेज टुगेदर वाज़ फाइव फैक्टोरियल इनटू टू फैक्टोरियल रेफर प्रीवियस केसेस सो सिक्स फैक्टोरियल वॉज सेवन ट्वेंटी दिस वॉज टू फोर्टी तो फोर एटी केसेस में वॉवल्स आर नेवर टुगेदर फोर एटी केसेस में वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर फोर एटी केसेस में वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर 480 केसेस में वॉवल्स आर नेवर टुगेदर बोलिए इसमें एक इंटरेस्टिंग केस और बन सकता है इसमें इंटरेस्टिंग केस ये बन सकता है वॉवल्स आर टुगेदर एज वेल एज कॉन्सोलेंट आर टूगेदर तो साथ में है ही कॉन्सोलेंट्स भी साथ में है तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहां पर ओ एक साथ लिखेंगे एम एन डी वाई एक साथ लिखेंगे इसको मानेंगे प्लस वन इसको मानेंगे प्लस वन मतलब वोवेल्स का एक ग्रुप है कॉन्सोनेंस का एक ग्रुप है तो टोटल दो ग्रुप तो टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू फोर फैक्टोरियल दिस इज अरेंजमेंट ऑफ Two groups. This is arrangement of vowels, and this is arrangement of consonants. This is arrangement of consonants. So the answer will be. 2 into 2 into 24. That is 96. Bullraye vowels are together as well as consonants are together. Vowels are together as well as consonants are together. Vowels are together as well as consonants are together. Therefore, फर्स्ट वी विल टेक वॉवेल्स एज वन देन वी विल टेक कॉन्सोलेंस एज वन ग्रुप टोटल दो ग्रुप हो गया दोनों ग्रुप का अरेंजमेंट, फिर वॉवेल्स का अपने आप में अरेंजमेंट, फिर कॉन्सोलेंस का अपने आप में अरेन्जमेंट तो किसी भी क्वेश्चन से हम लोग को घबराना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से हम लोग को घबराना नहीं है ठीक है नेक्स्ट बोल रहा है वोवेल्स विल ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेसेस वॉवेल्स विल ऑक्यूपाई ओनली ऑड प्लेसेस इसका मतलब आपके पास में छह जगह है जगह का नंबरिंग करो तो ये ऑड है ये ऑड है ये ऑड है तो नंबर ऑफ ऑड प्लेसेस क्या हुआ कितना ऑर्ड प्लेसेस आपके पास में तीन और नंबर ऑफ वॉवल्स कितना है दो ओ कॉमा ए आप ए कॉमा ओ भी लिख सकते थे ठीक है तो मैं बोल सकता हूं इसका आंसर विल बी थ्री पी टू फोर पी फोर सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन है उसको अरेंज करेंगे उसके बाद रिमेनिंग थिंग्स का अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट होगा उसके बाद रिमेनिंग थिंग्स का अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट होगा तो तीन जगह है मेरे पास में दो वॉवल है थ्री पी टू अब जब दो जगह फिक्स हो गया तो बच गया चार जगह चार लेटर इंटू फोर पी फोर तो थ्री पी टू सर क्या हो गया थ्री इंटू टू और फोर पी फोर हो गया मेरा फोर फैक्टोरियल सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर वन फोर्टी फोर सिक्स इंटू ट्वेंटी फोर That is one factorial. ठीक है आगे बढ़े yes. थोड़ा सा जगह छोड़ दे रहे यहां पर कोई और केस आएगा तो हम लोग इसको फिर लिखेंगे अभी हम लोग जो वर्ड किए उसमें कोई रिपीटेशन नहीं था ठीक है अगर मान लो कोई रिपीटेशन होता है तो कैसे करेंगे जैसे कि मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं अपने नेम के फर्स्ट लेटर के साथ में द वर्ड विवेक कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेटर्स सबसे पहले आपको क्या देखना है नंबर ऑफ लेटर्स सबसे पहले आपको नंबर ऑफ लेटर्स लिखना है कितना है पांच फिर आपको रेपिटेशन नोट करना है फिर हम लोग को रेपिटेशन नोट करना है कि वी दो बार आया है तो आंसर क्या होगा पता है आपको ऊपर में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का फैक्टोरियल बाय रिपीटेशन का फैक्टोरियल तो अगर मैं बात करूं डबल ए एस एच आई का तो यहां पर भी नंबर ऑफ लेटर्स कितना है छे? और रिपीट में क्या है ए दो बार तो आंसर क्या होगा सिक्स फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल दैट इज सेवन ट्वेंटी बाई टू थ्री सिक्सटी तो अगर मान लो कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स एन है और इसमें तुम्हारा फर्स्ट रिपीट पी सेकेंड रिपीट टाइम्स पी टाइम्स क्यू टाइम्स और थर्ड रिपीट जो है तीन लेटर रिपीट कर रहा है आर टाइम्स तो इसका आंसर हो जाएगा एन फैक्टोरियल बाय पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इसका आंसर हो जाएगा एन फैक्टोरियल बाय इसका आंसर हो जाएगा एन फैक्टोरियल बाई पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल तो मान ले मेरे को क्वेश्चन दे दिया कैलकुलस सी एल सी यूएलएस चलो बताओ फटाफट टोटल लेटर्स कितना है एट है अब मेरे को रेपिटेशन बताओ किसका किसका रेपिटेशन हो रहा है सर सी आ रहा है दो बार ए नहीं आ रहा है एल आ रहा है और यू आ रहा है राइट तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे एट फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे टू फैक्टोरियल एट फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल समझा यस और नो तो ऊपर हो जाएगा चालीस हजार तीन सौ बीस बाई टू इंटू टू इंटू टू करो कितना आ रहा है फाइव जीरो फोर जीरो आना चाहिए फाइव जीरो फोर जीरो आना चाहिए बोलो क्लियर है यहां तक एक और क्वेश्चन दे रहे करो अरेंज। टोटल कितना है टोटल लेटर्स जल्दी बोलिए टोटल लेटर्स कितना है सेवन रिपीट में क्या आ रहा है ए दो बार आ रहा है आर दो बार आ रहा है तो आंसर में मैं क्या लिखूँगा सेवन फैक्टोरियल बाई टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल तो सेवन फैक्टोरियल क्या आ रहा है मेरा फाइव ज़ीरो फोर ज़ीरो बाई टू इंटू टू बारह सौ साठ सिक्सटी

एक तो मैंने आपको अलाहाबाद दिया एक दिया वो मैथमेटिक्स ठीक है ये दो होमवर्क है करिएगा चलिए टेक केयर